नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 24 से चालू। अजामिलोप्यथा कर्ण्या दूतानां यमकृष्णयः धर्मं भागवतं शुद्धां त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रमणाधरे अनुतापो महानाशी स्मरतो शुभमात्मनः। अजामिलः अजामिल अपि भी अथ इस प्रकार आकर्ण्या सुनकर दूतानाम दूतों का यम कृष्णयः यमराज और कृष्ण के धर्मम धर्म भागवतम भगवत विषयक शुद्धाम शुद्ध त्रैवेद्याम तीनों गुण तीनों वेदों में प्रतिपादित च और गुणाश्रयम गुणों पर आधारित भक्तिमान भक्ति से युक्त भगवती भगवान में आशु शीघ्र महात्म्य श्रवणात् महिमा सुनने से हरे है श्री कृष्ण की अनुताप पश्चाताप महान बहुत अधिक आशीत हुआ स्मरतः स्मरण करके अशुभाम दोष आत्मनः अपना। तो इसके पूर्व यह कथा हो चुकी है कि जमराज के दूत वहां से भाग गए तो अजामिल भगवत पार्षदों से कुछ बातचीत करना चाहा और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहा थैंक्स देना चाहा बहुत अब्लाइज्ड हुआ था भगवत दूतों का। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि यह हमें धन्यवाद देना चाहता है हमारी प्रशंसा करना चाहता है तो वे लोग तुरंत ही अंतर्हित हो गए। अब इसके बाद अजामिल क्या किया इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानां यमकृष्णयः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम्। अजामिल श्री जमराज जी और श्री विष्णु के कृष्ण के दूतों के संवाद को खूब अच्छी तरह से सुना। आकर्ण्य का अर्थ है कि अपना कान लगा करके खूब अच्छा तरह से सुना। तो भगवान के पार्षद शुद्ध भागवत धर्म का वर्णन कर रहे थे और इसके पहले श्री जमराज जी के दूतों ने गुणाश्रयम त्रैवेद्यम धर्मम का प्रवचन किया। दोनों धर्म पर ही प्रवचन था। तो खास करके भगवान की महिमा सुन करके महात्म्य श्रवणाद हरे है हरि की महिमा सुन करके अर्थात भगवान के नाम की जो महिमा वर्णन की जा रही थी तो उसके द्वारा भगवान की ही महिमा का वर्णन हो रहा था क्योंकि भगवान का नाम इतना महान है तो प्रकारांतर से भगवान की महिमा का वर्णन किया भगवान के पार्षदों ने। तो इसको सुनकर अजामिल तुरंत ही
भगवान के प्रति महान प्रेम से युक्त हो गया, भक्ति से युक्त हो गया। भक्तिमान भगवत्यासु महात्म श्रवणा धरे आशु, आशु का अर्थ है शीघ्र। आपने सुना यदि संस्कृत श्लोकों को बोला जाए ठीक से खूब राग के साथ, तब भी 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। भगवान के पार्षदों ने जो प्रवचन किया, केवल इतनी सी कथा सुन करके जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हुआ, अजामिल भक्तिमान भगवती आश, भगवान के प्रति महान भक्त हो गया। यह एक बहुत ही आशादायक, भरोसा देने वाला वर्णन है। इतना गिरा हुआ व्यक्ति, इतना पापी व्यक्ति, और भगवान के बारे में 5 मिनट का प्रवचन सुन करके भगवती आशु भक्तिमान आश, भगवान के प्रति भक्ति से युक्त हो गए। हरे महात्म्य श्रवणात्, यह इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में भगवान के विषय में ठीक ठीक वर्णन किया जाए, भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए और किसी भाग्यवान जीव को सुनने का अवसर मिले, तो सुनने मात्र से भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती। कैसा व्यक्ति सुना, आप लोग कई दिनों से इस बात पर विचार कर रहे हैं, जो मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है और उस समय भी अपने पुत्र के स्नेह से आक्रांत है, पुत्र स्नेह परवश होकर के वह अपने पुत्र का नाम पुकारा। कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान के नाम में, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, जीवन पूरा पापमय बीता था। केवल भगवान, केवल जमराज जी के दूत ही इसके पापों का वर्णन नहीं किए हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि बहुत पापी था, बेजोड़ पापी था। ऐसा मैच करने वाला कोई दूसरा नहीं था इसके सामने। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पार्षदों का प्रवचन सुनकर तुरंत भक्तिमान आशु भगवती, शीघ्र भगवान के प्रति भक्ति से भर गया। यह महात्म श्रवण, भगवान के कथा श्रवण की महिमा है। और जब भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, तब अपना अशुभ याद आने लगा, आत्मनः अशुभम स्मरतः, हमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या पाप किया, अब अपने पूर्व जीवन मतलब इस जीवन के बीते हुए समय पर पश्चाताप होने लगा, अनुताप महानाशित, अनुताप होने लगा। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, पश्चात का भी वह अनु अर्थ होता है, बाद में कोई गलत काम करके और बाद में किसी व्यक्ति को अपने दोषपूर्ण कर्म के कारण पश्चाताप होने लगे, हृदय में आग लगे, मतलब अफसोस होने लगे, तो इसको अनुताप कहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार के लिए अनुताप बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में ये नहीं हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया, अपना जीवन बिता दिया विषय भोग में, कृष्ण का भजन नहीं किया, तब तक वो व्यक्ति भजन ठीक से कर नहीं पाएगा। जो व्यक्ति ये मानता है कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और पहले जैसा अज्ञान में बीता बीता, उसके लिए क्या शोक करना है। कभी कभी आदमी सोचता है पहले का सोच कर क्या मरना है, अब आगे करना चाहिए। लेकिन अनुताप होना यही भविष्य में सुधरने का लक्षण है, अपने करनी पर पश्चाताप होना। हरि हरि विफले जन्म गवाइन, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि हाय हाय, मैंने व्यर्थ जीवन बिता दिया, मनुष्य का शरीर मिला परंतु राधा कृष्ण का भजन नहीं किया,
भजन तो नहीं किया वो तो गलत है ही, जानिया सुनिया विष खाई और ऊपर से पॉइजन खा लिया, विष खा लिया। वह भी नहीं है कि कोई बताने वाला नहीं था, बताने वाले थे, कहते थे कि अरे पॉइजन है पॉइजन है, शास्त्र और साधु बताते हैं कि ये विष है विष है, जानिया सुनिया जानते हुए सुनते हुए उठाकर पी लिया, हाय रे ऐसा मेरा दुर्भाग्य, जानिया सुनिया विष खाए। और वास्तव में ये नरोत्तम दास ठाकुर की स्थिति नहीं है, वो तो जीवों की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। मनुष्य जानता है कि यह पाप है, यह गलती है, दूसरे लोग भी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, साधारण जनता भी कहते हैं कि नहीं ये पाप है नहीं करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी और सुनते हुए भी व्यक्ति गलत काम कर देता है। पर जो भी हो, कितनी भी गलती हुई हो, यदि अब हृदय द्रवित हो जाए, रोने लगे कि हाय मैंने बहुत गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पश्चाताप के बाद उसके जीवन में यदि निश्चय होता है कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, या जिनकी जैसे सेवा करनी है उनकी करूंगा, व्यर्थ संबंध नहीं जोड़ूंगा, व्यर्थ काम नहीं करूंगा, इस प्रकार का जब ताप होता है हृदय में, ग्लानी होती है, तो यह ग्लानी मनुष्य के सुधार का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वो बहुत जल्दी महत्पद को प्राप्त कर सकता है, खास करके भक्ति मार्ग में यह अनुताप हो कि हाय कृष्ण मैंने अपने जीवन में आपको महत्व नहीं दिया, मैंने संसार के रिलेशन संसार की बातों को महत्व दिया लेकिन आपको कुछ नहीं समझा, आपसे प्रेम नहीं किया, इस प्रकार का अनुताप हो तो ये बहुत अच्छा है। भगवान में जब भक्ति उत्पन्न होती है तब अनुताप होता है, और भगवान में भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, सुनने से, महात्म्य श्रवणात्, भगवान की बड़ाई भगवान की महिमा सुनने के बाद अजामिल तुरंत भक्त हो गए, ये सामान्य बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अजामिल और बहुत कुछ किया था पहले अभी अभी और इसके बाद सुना, केवल सुनने मात्र से भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, भक्ति उत्पन्न हो गई और अनुताप हुआ। तो अनुताप का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी 4 श्लोकों में कर रहे हैं, अजामिल किस तरह अनुताप कर रहा है। अहो मे परमम कष्टम अभूद विजितात्मनः जेन विप्लावितम ब्रह्म वृषल्याम जायतात्मना। अनुताप हो रहा है, हाय हाय मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिया, मैंने आत्मा को अधोगति में डाला। अहो मे परमम कष्टम अभूत, बहुत कष्ट हुआ, मैं बहुत दुख दिया अपने स्वरूप को अपने आत्मा को। अभिजित आत्मना, मैंने अपने मन को वश में नहीं किया, मन जैसा कहा वैसा किया, और सबसे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि हाय हाय मैं ब्राह्मण हूँ, अर्थात ब्राह्मण जाति में जन्म लिया लेकिन मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, विप्लावितम डुबा दिया, मैं ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के ही ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। कैसे कि मैं एक शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया, एक ब्रिसली वेश्या के गर्भ से मैं जन्म लिया, विशेष के गर्भ से जन्म लिया, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जिस स्त्री से पुत्र उत्पन्न करता है तो ये माना जाता है कि वही पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तो इसीलिए विवाह बहुत शुद्ध वंश में शुद्ध कन्या से करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को उसके गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, इसीलिए पत्नी को जाया कहते हैं। पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है,
आत्मा वही पुत्र जायते इति सात्वती श्रुति। श्रुति कहती है कि व्यक्ति स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है स्त्री के गर्भ से। तो अजामिल पश्चाताप कर रहा है कि मैं जन्म लिया लेकिन एक शूद्रा के एक वेश्या के गर्भ से जन्म लिया पुत्र के रूप में, अर्थात मैंने ब्राह्मणत्व का नाश किया और ऐसी अशुद्ध है गिरी हुई स्त्री का मैंने संग किया और ई पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो ब्राह्मणत्व गया और शूद्र के रूप में जन्म लिया, वो भी शूद्र में भी कई गुना नीचे का शूद्र कह रहा है। यह विवाह एक बहुत पवित्र बंधन है, भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ है। जो व्यक्ति विवाह के द्वारा बंधता है किसी स्त्री से और शुद्ध ढंग से संतान उत्पन्न करता है तो उसकी उन्नति होती है, भगवान की दृष्टि में प्रशंसा का पात्र होता है। लेकिन अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त यदि किसी भी स्त्री का संसर्ग करता है तो घोर पाप करता है और इसका बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति को इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसी स्त्री का संग नहीं करेंगे जिसके गर्भ से हमें जन्म लेना पड़े और वो बहुत निकृष्ट हो, विवाह से बाहर हो, ये हो वो। तो पहला अफसोस हो रहा है, अहो जेन विप्लावितम ब्रह्म ब्रिसल्यम जायता आत्मना। मैं ब्रिसली के शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया और ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, हाय हाय। धिंगमाम विगर्हितम सद्भिर दुष्कृतम कुल कज्जलम हित्वा बालम सतीम यो हम सुरापम असतीम अगाम। धिक्कार है मुझे धिंग माम, मुझको धिक्कार है, मैं इस संसार में बहुत नीच व्यक्ति हूं। सद्भिह विगर्हितम, संतों के द्वारा सज्जनों के द्वारा मेरा जीवन निंदित रहा है। अब ये बुद्धि आ रही, उसमें तो गांव के लोग चाहे पूरे क्षेत्र के लोग गाली देते थे कि ये ब्राह्मण चंडाल हो गया, ये हो गया, उस समय इसको कोई पता नहीं था, अब पता लग रहा है। सद्भिह विगर्हितम, विगर्हित का अर्थ निंदित, मैंने ऐसा आचरण किया जो सज्जनों के द्वारा निंदित रहा, हमेशा मेरी निंदा हुई। दुष्कृतम, मैंने दुष्कर्म किया, दुष्कृतम बहुत गलत कार्य किया, बहुत अपराध किया, पाप किया, महापातक किया। कुल कज्जलम, मैं अपने कुल के लिए काजल हूं, का अपने खानदान में दाग लगा दिया। कुल कज्जलम, कज्जल मतलब काजल, मैंने कुल का कलंक हूं, मेरे कारण मेरा इतना उज्जवल वंश बदनाम हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जन्म लिया इस वंश में, ये मनुष्य का धर्म है कि वह अपने वंश की रक्षा, वंश के इज्जत की रक्षा करे। किस वंश में जन्म लिया है, उस वंश के लोग कितना उज्जवल रहे और वह उस वंश में जन्म लेकर के बहुत गलत कार्य करे तो यह कुल का जलम, कुल का कलंक। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जीवन स्वतंत्र है, मैं कुछ भी करूं, नहीं नहीं, अच्छा या बुरा करने का प्रभाव होता है पूर्व के पूर्वजों पर, बाद में होने वाले संतान पर। इसलिए अपने संतान की रक्षा के लिए, अपने माता पिता या पितामह की इज्जत के लिए भी गलत पंथ पर पैर नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो और पुनः इस पर बहुत इसके मन में अफसोस रहा, एक तो मैंने बहुत गलत स्त्री का संग किया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हित्वा बालम सतीम जो हम सुरापाम और सतीम अगाम, मैं अपनी परिणीता पत्नी का त्याग कर दिया जो अभी बहुत कम ही उम्र की थी, बाला और सती, वह मेरी पत्नी सती थी।
इसके बाद अजामिल इस बात को समझा है कि जब इसने त्याग कर दिया अपनी पत्नी का, तो वह बेचारी जीवन भर ऐसे ही रह गई। उसने फिर दूसरा विवाह नहीं किया अथवा किसी भी परपुरुष के प्रति मन नहीं दौड़ाया। इस बात को अजामिल समझ रहा है कि सती, मेरी पत्नी सती थी, मुझ में ही चित लगाए रही, मेरी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन मैं जीवन बिता दिया उस वेश्या के साथ। तो एक तरफ पतिव्रता स्त्री और नव किशोरी, नए उम्र की अपनी पत्नी को मैं छोड़ दिया, हित्वा त्याग कर दिया, और सुरापम असतिम अगाम, और मैं उस असति सैकड़ों पुरुषों से समागम करने वाली उस वेश्या का अगाम संगम किया, जो सुरापा, जो कि सुरा पीती थी, शराब पीती थी, बिना शराब के तो रहती ही नहीं थी। और अजामिल का जितना भी धन खर्च हुआ उसमें समझिए 75% उसको शराब पिलाने में खत्म हुआ। इसलिए यह बात याद उसको आ रही, सुरापाम, सुरापा, सुरा पीने वाली, मदिरा पीने वाली असती वेश्या का मैंने संग किया, और अपनी पत्नी का जो बेचारी धर्म पर थी, जीवन भर दुख में ही बिताई, उसको छोड़ दिया। वो यह दुख की बात है, जबकि माता पिता बहुत पहले इसको कहे थे कि ये पाप है, ऐसा मत करो, अपनी पत्नी के साथ रहो, लेकिन उस समय नहीं सुना था। भगवान के भक्तों के मुख से प्रवचन सुन करके तब अब समझ में सारी बात आ रही है कि हमने गलत किया, भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई तब। धिंग मांग बिगरहितम सद्भीर दुष्कृतम कुलकज्जलम हित्वा बालम सतिम योहम सुरापम असतिम अगाम। ये संस्कृत के शब्द कठिन नहीं है, जो लोग हिंदू जाति में जन्म लिए हैं तो वे तुरंत समझ सकते हैं। और वास्तव में संस्कृत भाषा भारत के सभी प्रदेशों के लिए ये ज्ञात भाषा है, कोई भी शब्द इसमें है थोड़ा सा अर्थ किया जाए तो तुरंत आदमी समझ जाएगा। असती सती एक ही श्लोक में शब्द आ रहा है, बाला, बाला का अर्थ होता है कम उम्र की स्त्री, और सुरापा, सुरा पीने वाली, असती का मैंने संग किया। तो यह मनुष्य जीवन में सावधान करने के लिए बात है। अजामिल के इतिहास से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि हो अंततः पाप का साक्षात्कार हुआ, लेकिन बहुत दिन के बाद। बचना चाहिए पाप से और धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा था कि धर्म करने में आगे रहना चाहिए और पाप करने में सबसे पीछे रहना चाहिए। क्यों? कि मान लीजिए अगर धर्म करने में आप आगे हैं तो धर्म कर देंगे, हो सकता है कि उसके बाद लाइन बंद हो जाए, क्लोज हो जाए कि अब नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो, चांस रहता है कि भाई धर्म करने का अवसर आया तो दो चार लोगों को अवसर मिला, तब तक अब बंद कर दिया गया कि अब दूसरे दिन। तो आगे रहेंगे तो धर्म करने को मिलेगा, और पाप करने में सबसे पीछे रहना चाहिए, क्योंकि पाप करते कर हो सकता है कुछ को पाप करने का अवसर मिले, तब तक बंद कर दिया जाए कि पाप नहीं कर पाएंगे। तो ब्रज के एक पंडा जी शिक्षा दे रहे थे कुछ लोगों को जो तीर्थयात्री थे, तो वो कह रहे थे देखो धर्म करने में सबसे आगे लाइन में रहना चाहिए और पाप करने में एकदम पीछे रहना चाहिए, भगवान की कृपा से हो सकता है न करने को मिले। इतिहास इसीलिए सुना जाता है। यह जो हम लोग इतिहास सुन रहे हैं अजामिल का, तो केवल इतना ही नहीं है कि हाँ हम भगवान की महिमा जान गए, भगवान नाम की, भगवान का नाम जप करेंगे, इसके साथ साथ मॉरलिटी,
नैतिकता, धर्म, इन सब का भी ज्ञान होता चलता है। भगवान अजामित ने, जमराज के दूतों ने इसी धर्म का वर्णन किया। जैसा ऊपर कहा गया, मैं इसको छोड़ दिया कि भागवत धर्म में और त्रैविद्यम गुणाश्रय धर्म में क्या भेद है, वो इस तरह से है। भागवत धर्म का अर्थ है जीव और भगवान में नित्य संबंध है, और भगवान को संतुष्ट करना ही जीव का एकमात्र धर्म है। तो जीव भगवान की जब भक्ति करता है और देह आदि की उपाधि से शून्य होता है, वो ये नहीं सोचता है मैं इस घर का हूँ, इस वर्ण का हूँ, इस आश्रम का हूँ, इसका हूँ, इसका हूँ, इसलिए मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। नहीं, मैं भगवान का हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ, न मैं किसी वर्ण का हूँ, न किसी आश्रम का हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न वानप्रस्थी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, और किसी भी किसी संस्था का नहीं, किसी परिवार का नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। यह जो जीव का डायरेक्ट स्वरूप है भगवान के साथ, और इस भावना में आकर के, इस भाव में स्थित होकर जब वो कृष्ण की सेवा करता है, तो इसको कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषीकर्ण हृषी के सेवनम भक्ति रुच्यते। यह है भागवत धर्म। लेकिन इस संसार में जीव की ऐसी स्थिति है कि वह अनेक उपाधियों में ग्रस्त है। जैसे हम लोग हैं, प्रकट एक उदाहरण मेरा देखिए, तो कुछ भी हो, मैं भगवान का नित्य शुद्ध अंश हूं, लेकिन इस समय देह के भीतर तो यह है कि मैं भारत का हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं स्कान का हूं, मैं ये हूं, वो हूं, तो ये इस भावना पर आधारित होकर के जो मैं भजन कर रहा हूं, तो ये है सोपाधिक भजन। इसको त्रैगुण्यम कहते हैं। यह गुण का अर्थ देह या प्रकृति के तीनों गुण। हम स्त्री हैं इसलिए हमारा धर्म है पति की सेवा करना, लेकिन जीव तो स्त्री नहीं है, परंतु कुछ भी हो, स्त्री है चाहे नहीं है, लेकिन वर्तमान में वो स्त्री शरीर में है, तो स्त्री शरीर के अनुसार ही उसको चलना होगा। भक्ति भी करेगा उसी के अनुसार, धर्म करेगा उसी के अनुसार। वो मानेगा कि मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, या मैं किसी की माँ हूं, मैं चाची हूं, या ये हूं, वो हूं, इस तरह की भावना उसकी रहेगी। और शास्त्र आज्ञा करता है कि हाँ ठीक है, तुम स्त्री हो तो तुम्हारा ये धर्म है, तुम सन्यासी हो तो तुम्हारा ये धर्म है, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा ये धर्म है। इसको गुणाश्रयम त्रैविद्यम धर्म कहते हैं। तो जमराज के दूतों ने यह वर्णन किया। लेकिन भागवत धर्म यह है कि जीव कुछ नहीं है, ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो जतीरवा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो गोपीनाथ भगवान के चरण कमलों के दासों के दासों का अनुदास हूं। यह जो प्लेटफॉर्म है भागवत धर्म का है, और वास्तव में जो स्थिति है जीव की इस समय, वो तो देह में है ही, या तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अथवा सन्यासी है, ये है, तो उसके अनुसार उसकी कुछ ड्यूटी होती है, धीरे धीरे वो बढ़ता है भवसागर के पार। तो इन दोनों को सुना अजामिल, दोनों को ध्यान से सुना है। तो इस प्रकार से जब देह के धरातल पर जीव है ही, और इसी तरह से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तो उस समय यह जो अनुताप हो रहा है बहुत उपादेय है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को, अगर हम देह है ही नहीं, कोई पाप तप हो ही नहीं सकता है हमसे, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हमसे क्या पाप होगा, कुछ नहीं हो सकता है, हम देह है ही नहीं। कई कई बार लोग उदाहरण दे देते हैं, आत्मा निष्पाप है, पाप हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता है। तो आत्मा तो निष्पाप, मान ली गलती करता है तो गलत नहीं लगेगा, आत्मा को भूख क्यों लगती है। क्या कोई कह सकता है कि मैं देह नहीं हूं इसलिए आज से खाऊंगा नहीं, तो कितना दिन देह नहीं रहेंगे। तो तुरंत देह मानना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं देह हूं, मुझको भोजन चाहिए, उनको इतना ज्ञान के स्तर पर मत डालो, मैं अज्ञान हूं।
इसीलिए गुणाश्रयम त्रैविद्य तीनों वेदों में वर्णित धर्म का पालन करना पड़ता है, शास्त्र यही पहले सिखाता है। दूसरे जो आधिकारिक पुरुष होते हैं, वास्तव में जो प्रकृति के बंधन से परे होते हैं, उनके देखा देखे उनके अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे गोपियां, गोपियां देह के स्तर से पार हो चुकी थी, बहुत आगे थी, उनके सामने अब अपना परिवार पति आदि कुछ भी नहीं था। रासलीला में वर्णन है कि भगवान ने बांसुरी बजाया, गोपियां जो भी काम करती थी वो छोड़ करके चल दी, क्योंकि काम की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं था, वो तो केवल देह के स्वभाव से काम चल रहा था, मन तो प्रियतम श्याम सुंदर के पास था उनका, और वो चाहती थी कब ऐसा समय आए कि सर्वस्व छोड़ करके हम उनके पास हो जाए। घर गृहस्थी उनके लिए महाभार लग रहा था, और जब बांसुरी में आह्वान सुना, हे ललिते, हे विशाखे, हे श्री राधे, जब आह्वान सुना तो अब काम की पूर्णता पर कहां ध्यान जाएगा, तो पहले से ही मन श्याम सुंदर के पास था। इसके बाद उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, जो भी काम करे थे कोई पूरा नहीं किया। घर वालों ने रोका, नहीं नहीं कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, लेकिन वो तो छोड़ रहे, छोड़ कभी भी कभी जाने के लिए तैयार थी, इस समय कैसे मान सकते थे। तो वह जो स्थिति थी, वह भगवान के साथ आत्मा का जो नित्य संबंध है उस पर वे आरूढ़ थी, पर हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। देह के धरातल पर हम हैं, देह के अनुसार ही चलना पड़ेगा, समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अजामिल विचार कर रहा है कि हाय है, मैं बहुत गलत काम किया। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके और किसी अजनबी औरत, रास्ता चलने वाली वेश्या का संग करना, उसी से प्रेम करना, उसको घर में रखना, वास्तव में बहुत बड़ा पाप, बहुत दुष्कर्म है। तो इसके अलावा अजामिल और सोच रहा है, वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ अहो मया अधुना त्यक्तौ अकृतज्ञेन नीचवत्। यह अधुना का अर्थ है तत्काल। हाय हाय, अधुना उस भाव में बोल रहा है, मेरे माता पिता वृद्ध थे और नान्य बंधु, उनका कोई दूसरा बंधु नहीं था, मतलब मैं ही इकलौता बेटा था, मैं इकलौता पुत्र था, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, ये वृद्ध थे। और तब पितरौ, हमारे माता पिता हमको जन्म देने वाले, पोषने वाले, और तपस्वी नौ, मेरे दुष्कर्म को देख करके वे तप्त रहते थे, दुखी रहते थे। और इसका अर्थ यह है कि न तो उनको खाने को मिलता था, न पहनने को मिलता था, ओ हाय हाय। और मैं उसी समय त्याग दिया उनको, जब ही वेश्या घर में आई उसी समय मैंने उनका त्याग कर दिया। वो अकृतज्ञ न नीचवत, मैं याद नहीं किया कि मेरे माता पिता मेरी कितनी सेवा किए हैं, जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, हाय उनके द्वारा किए गए उपकार का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। अकृतज्ञ नीचवत, नीच का अर्थ है कि आर्य संस्कृति से शून्य जो लोग होते हैं वैसा मैं आचरण किया। हमारी संस्कृति में तो माता पिता को भगवान माना जाता है, वो ये सोच रहा है, और उसमें भी ब्राह्मण है, पर मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, बिल्कुल सेवा नहीं किया, उल्टे उनको छोड़ दिया, दुख में भोजन के लिए तड़पते रहे, घर के लिए, कपड़े के लिए, और हमारे आचरण से रात दिन दग्ध रहे, चिंता करते रहे। या नीचवत शब्द का अर्थ है, जैसे पृथ्वी पर मानव समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं जो माता पिता की सेवा की बात कभी सोच ही नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। आपने सुना होगा कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो अपने बाप को जेल में बंद करके, काट करके, भाई को मार करके और राज हथिया लेते हैं, हथियार ली। हाँ हाँ ठीक है। ताजमहल बनाने वाला शाहजहां
जेल में बंद किया गया था। किसके द्वारा? अपने बेटा के द्वारा। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जब ताजमहल बनाने वाला शाहजहां जेल में था तो उसको आज्ञा थी औरंगजेब की कि इसको जितना पानी मांगता है उतना पानी नहीं देना चाहिए, तो जितना जरूरत पड़ती है उतना नहीं देना चाहिए, थोड़ा पानी देना चाहिए। एक दिन भारत का बादशाह था वह व्यक्ति, और उसको जेल में बंद किया गया तो भरपेट पानी भी नहीं मिलता था। तो एक दिन गया शाहजहां वो औरंगजेब जेल में और पूछा, कैसे हैं बाप जी, ठीक है? तो शाहजहां कहा है, ये सब जगह चर्चित विषय है, शाहजहां कहा कि अरे नालायक, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि मेरा जन्म हिंदू में क्यों नहीं हुआ, कि हिंदू लोग तो अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, तुम तो जीवित को पानी नहीं दे रहे। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि मैं हिंदू कौम में क्यों नहीं जन्म लिया। शाहजहां ने कहा है, बहुत चर्चित विषय है भारतवर्ष। तो कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें माता पिता भाई आदि का कोई प्रश्न ही नहीं, उसको नीच कहते हैं, नीचवत। तो अजामिल को ये बात याद रखा है, आर्य संस्कृति से शून्य म्लेच्छ और यवन की तरह मैं नीच काम किया, मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं किया। जिस व्यक्ति को अभी अवसर है कि माता पिता की सेवा वो कर सकता है, तो वास्तव में जी भर करके सेवा करनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया है कि माता पिता यदि आशीर्वाद दें तो व्यक्ति को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रश्न होता है कि अगर माता पिता स्वयं भक्त नहीं है तो कैसे आशीर्वाद देंगे? नहीं, उनका आशीर्वाद लगता है, भगवान की व्यवस्था है। आशीर्वाद जब प्रसाद बिंदते परम, उस टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि माता पिता की प्रसन्नता से भगवान भी मिल जाते हैं। जत प्रसाद बिंदते परम, परम परमेश्वरम। तो और वैसे भी न्याय अगर देखिए तो माता पिता की सेवा कोई कर रहा है तो कोई ऐसा नहीं है कि अपनी ओर से एहसान लाद रहा है, वो जितना किए हैं उसको भी पूरा भी नहीं कर सकता है। जीवन भर सेवा करता रहे तब भी उन्होंने जो किया है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से बहुत कृतज्ञ हो करके या एहसान डाल रहे हैं या और ज्यादा कर रहे हैं, हमारी जो सेवा किया उससे ज्यादा की कर ही नहीं सकता है जीव। यदि देवता की तरह आयु मिले लंबा और माता पिता की निरंतर सेवा करे तब भी वो व्यक्ति ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। तो अजामिल पश्चाताप कर रहा है, मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनका कोई दूसरा सहारा नहीं था, दूसरा बंधु नहीं था, पुत्र नहीं था, मेरे व्यवहार से वे जलते थे और खाने पीने बिना तकलीफ भोग रहे थे, लेकिन मैंने उनका त्याग कर दिया और उसी समय अधुनाकार थे उसी समय। तो सोहम व्यक्तम पतिष्यामी नरके भृषदारुले धर्मघ्ना कामिनो जत्र विंदंती जमजातना। मैं निश्चित नरक में गिरने वाला था, निश्चित। अब कह व्यक्तम सोहम व्यक्तम पतिष्यामी नरके भृषदारुणे, अजामिल कह रहा है कि मैं निश्चित नरक में गिरूंगा, इसका मतलब है कि गिरने वाला था, मैं निश्चित नरक में गिरने वाला था। भृषदारुणे, जो नरक बहुत भयावह है उस नरक में मैं गिरने वाला था, जहां पर कामी लोग और धर्म का हनन करने वाले लोग जमराज के द्वारा दिए गए दुखों को भोगते हैं, विंदंती का अर्थ अनुभव करते हैं, भोगते हैं। धर्मघ्ना कामिनो, कामी का अर्थ है अनेक प्रकार के विषय भोगों की लालसा वाले, कामोपभोग में ही रहने वाले, और धर्मघ्न धर्म को का हनन करने वाले, पालन नहीं करने वाले लोग जमराज के हवाले जाते हैं और जमराज
की व्यवस्था से अनेक दुख भोगते, तो मैं उस नरक में गिरने वाला था। इतना इससे इन चार श्लोकों में अजामिल पश्चाताप किया और अब विचार कर रहा है अपने जीवन की स्थिति में कि हमारे जीवन में यह घटना कैसे घटी, किमिदम स्वप्न आहो से। अभी सोच, क्या ये मैं सपना देखा, किम इदम स्वप्न। ये जो मैं अभी अभी देखा कि तीन भयानक व्यक्ति आकर के हमारे गले में पास बांध कर पृथ्वी से नीचे खींच रहे थे नरक की ओर, और चार सिद्ध आ करके हमें बचा दिए, देवता आकर के बचा दिए, क्या ये सपना था? अपनी स्थिति पर जल्दी विश्वास नहीं हो रहा है, क्या हमको बचाने के लिए कोई आएगा? मैं इतना नीच व्यक्ति हूं, हमको कोई देवता क्यों बचाने आएगा? तो कहता है आहोस्वित, ये क्या स्वप्न है आहोस्वित, अथवा साक्षात दृष्ट मिहाद्भूतम, कि सचमुच में साक्षात देखा हूं। तो बेचारा मृत्यु सज्जा से ही उठ करके बैठ करके और लगा देखने की सचमुच सपना है कि जागृत है। जागृत दशा में मैं सब देखा हूं कि सपना देखो, तो वास्तव में देखा था साक्षात दृष्टम। लेकिन जब अपनी स्थिति पर विचार करता है तो विश्वास नहीं होता है कि जागृत देख, अरे कोई सपना देखा, मैं तो नरक में गिरूंगा ही। लेकिन जब कोई व्यक्ति मान लीजिए सपना से उठा हो तो देखे इधर उधर, तो जग जाने पर तब समझ जाता है सपना देखा था। लेकिन जागृत में ही देखा है और उसको सोचे कि हमारे जीवन में ऐसी अनहोनी घटना हो नहीं सकती है, लगता है कि सपना है, तो वो घर से उठ करके खिड़की से बाहर देख रहा होगा और लोगों को देख रहा होगा और वो लड़का को भी देख रहा होगा, वेश्या भी उधर कहीं होगी, तो कहते नहीं नहीं तो साक्षात दृष्ट, साक्षात देखा मैं। तब अब कहता है को गता अद्य तेये माम व्यकर्षण पाण पाण पास पाण, या तू वे तीनों जो हमको खींच रहे थे, जिनके हाथ में रस्सी थी, वे कहां गए? अभी भी धक धक कलेजा कर रहा है कि कहीं घर के बाहर ही इधर उधर छिप करके तो नहीं है, और इन चारों के चले जाने के बाद फिर ना अरेस्ट करें, ऐसे अभी हृदय में धक धक, क्योंकि अब इतना समझ में आ रहा है कि मैं इसी के योग्य हूं, वास्तव में मैं नरक का ही कैंडिडेट हूं, नरक में ही मुझे गिरना चाहिए, इतना मैं पापी हूं, ये मन में आ रहा है। तो इसी लोग सोच रहा है कि गता क्वा करते कहा गता चले गए अद्य अभी अभी, यहां अद्य का अर्थ अभी अभी, ते क्वा गता ये माम व्यकर्षण, जो मुझको कर्षण कर रहे थे, खींच रहे थे, पास पाण, जिनके पानी में पास था, ऐसे पगहा बंधा हुआ था, और अजामिल को वास्तव में खींच रहे थे, तो जो मुझको नरक में गिराने के लिए खींच रहे थे, वे कहां गए, वे कहां गए और कहां से आए थे? और फिर सोच रहा है अथ ते क्व गता सिद्धाश चत्वारश चारु दर्शनः व्यमोचयन पातकिनम बद्ध्वा पाशैरधो भुवः। और वे अद्भुत दर्शनः सिद्धा, जिनका रूप बहुत सुंदर था, अद्भुत था, इस लोक में मैं न सुना था न देखा था, ऐसे अद्भुत रूप वाले वे चारों सिद्ध कहां गए, कहां जाने गए, कहां गए का ये मतलब है कि कहां के थे फिर कहां गए, और वो तीनों भयावह पुरुष कहां के थे कहां गए। अद्भुत घटना घट गई ना जीवन में, कि मरने का समय आया था, वो पास जो खींच रहे थे उनको डांट डपट कर भगा दिया गया, और जो मुक्त किए थे उनसे भी परिचय नहीं हुआ, वो भी चले गए, वो भी चारों चले गए। तो क्या गता कहां गए, कहां गए? ध्यान रखना चाहिए शास्त्र सुनने वाले को कि भगवान के पार्षद सत्य हैं और जमराज के दूत भी सत्य हैं।
कहाँ गए, वो तो जग गए अब जमराज जी के पास शिकायत करने गए कि आपकी आज्ञा विफल हो गई, अब संसार में अब आप ईश्वर नहीं रहे, पता लगाइए कौन ऐसा किया। तो अजामिल तो उन तीन को पता लगाने के फेर में नहीं पड़ा होगा, अच्छा है नहीं पता लगा भाग गए, लेकिन चार के फेर में पड़ा होगा कि ये कहां के थे, क्यों हमारा उपकार किए, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। वास्तव में जीव का संबंध भगवान के साथ है, और इस कारण से भगवान के भक्त ही अपने असली बंधु हैं। देखिए उस विपत्ति के समय में जब अजामिल को नरक में ले जाने के लिए तैयार थे जमदूत, कौन काम किया, कौन बाप आया बचाने, भाई आया या कोई सहयोगी आया, कोई आया? एक दिन ऐसा समय आता है कि कोई सहयोग नहीं करेगा, जो भगवान की भक्ति किए हैं तो उसके अनुसार भगवत पार्षद आकर के बचाते हैं। तो यहां से तो जाने के बाद पता ही नहीं लगेगा कि कहां गया, बचाने की बात तो दूर रहे, है ना, कि कब शरीर से प्राण निकल गया, आत्मा चला गया, ये भी नहीं पता नहीं चलता। भगवान गीता में कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमुद्धा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि कब आत्मा शरीर में रहकर विषयों को भोग रहा है, कब चला गया, कैसे कैसे करता है, कुछ नहीं पता है। तो एक दिन तो समाज छूटेगा ही, घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, तो उस समय कौन सहारा होगा, कौन बंधु होगा? रच रच करके पाप करके जिसका पालन किए वो लोग तो यहीं जला करके घर चले जाएंगे, जा ही नहीं सकते। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि कौन वस्तु कहाँ छूट जाती है मनुष्य के मरने पर, तो कहा गया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा है परलोक मार्गे। तो देहश्चितायां परलोक मार्गे और कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा जीव अकेले जाता है, बीच में इतना सब इकट्ठा किया है, ये वो संबंध लेके जाएगा अकेले। तो जो वस्तुएं उसके साथ संबंधित थी, सरकार ने भी रजिस्ट्रेशन किया था, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, समाज सब छूट जाएगा। तो धनानी भूमौ, जितने धन हैं वो सब भूमि में रह जाएंगे। पहले लोग सोना चांदी को गाड़ करके रखते थे और कभी कभी वो बता नहीं पाते थे अपने पुत्र को, तो गड़ा का गड़ा ही रह जाता था। तो धनानी भूमौ, भूमि में ही धन छूट जाते। और अब तो धनानी बैंकेसु, बैंक में धन पड़ा रह जाएगा। और पशुवश्च गोष्ठ, और पशु हाथी घोड़ा ये सब गोष्ठ में छूट जाएंगे। तो इसमें तो प्रत्येक घर में कुछ न कुछ घोड़े हैं, हाथी तो नहीं है, हॉर्स पावर की जो कार है, तो पता नहीं कितने घोड़े पार्किंग में ही छूटेंगे। तो यही छूटेंगे। अब परलोक मार्ग में जाने पर एक भी कार सहारा नहीं देगी, भले बिल्कुल नई ब्रांड की नई कार निकाले हैं, लेकिन बस खत्म हुआ रिलेशन, पार्किंग में है तो है बस, कोई काम में नहीं आएगी। तो पशुवश्च गोष्ठ है, और भार्या गृह द्वारी, भार्या जिसका भरण पोषण किए सब कुछ किए, वो कहाँ तक जाएगी? घर के द्वार तक, क्योंकि उसको श्मशान तक जाना अलाउ नहीं है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा अलाउ किया जाएगा गृह द्वारी, गृह के द्वार तक जाएंगे। और जो
भाई बंधु पुत्र आदि हैं वे लोग कहाँ जाएंगे, जना श्मशान है, श्मशान तक जाएंगे। देह कहाँ तक जाएगा, चिताम, चिता तक जाएगा बस, श्मशान में चिता तक देह जाएगा। और परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छते जीव एक, बाकी परलोक में जीव को अकेला जाना पड़ेगा, साथी कौन रहेगा, कर्म, जो कर्म किया है अच्छा बुरा तो साथ में रहेगा, अगर बुरा किया है तो नरक में वही साथ देगा, पिटवाएगा, दुख देगा, अगर कर्म अच्छा है तो स्वर्ग में खूब स्वागत होगा, ऐसे होगा। कर्म जो किया है वही साथ में जाएगा, बाकी ये सब छूट जाएगा। तो यह जीव की दशा है। तो अजामिल सोच रहा है कि कहाँ गए, मैं यह बात कह रहा था कि वास्तव में जीव के एकमात्र बंधु साथी भगवान कृष्ण हैं, और कृष्ण के पार्षद, कृष्ण के भक्त, वही एकमात्र जीव के वास्तविक बंधु हैं, रिलेटिव हैं, जो भी हैं। यह जीव बेकार मानता है कि ये हमारा बंधु है, हमारा ये है, वो है, वो है, कोई काम नहीं आता है। तो अजामिल के जीवन में कौन काम आया, नरक में खींच रहे थे जमराज के दूत, लेकिन भगवान के पार्षद आकर के छुड़ा दिए, और थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी नहीं लिए, अप्रिसिएशन भी नहीं लिए कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, हम लोगों ने अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, याद रखना, भूलना मत, जल्दी, ये भी नहीं किए। इन सब से शिक्षा मिलती है कि वास्तव में भगवान काम आते हैं और कोई काम नहीं आता है। तो अब सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी रहा हूं इस जीवन में, याद करने पर भी कभी ऐसा नहीं अवसर मिल रहा कि मैंने कोई पुण्य किया, लेकिन एक बात से मैं अनुमान करता हूं कि पूर्व में मैं कुछ पुण्य किया हूं, क्योंकि विबुधोत्तम दर्शने मंगलेन जैनात्मा में प्रसिद्ध थी, अथापि मैं दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्य मंगलेन जैनात्मा में प्रसिद्ध थी। मेरे जीवन में केवल पाप हुआ है, पाप हुआ है, लेकिन ये जो विबुधोत्तम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवत पार्षदों के लिए कह रहा है, इनका मुझे दर्शन मिला और इन्होंने मेरी सहायता किया, यह बिना पुण्य के नहीं हो सकता है, बिना पुण्य के नहीं होगा। तो मैंने अवश्य पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है, मैं दुर्भग हूं, इस जन्म में महापापी हूं, दुर्भग, महापापियान, महापापी हूं, लेकिन पूर्व जन्म में अवश्य मेरे द्वारा कुछ सुकृत हुआ है, जिसके कारण इतने श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन मुझे हुआ। अजामिल कम से कम इस निष्कर्ष पर आ रहा है कि बिना मंगल के, बिना पूर्व पुण्य के इन देवताओं का दर्शन नहीं हो सकता। एक तो दर्शन ही दुर्लभ है, और उस पर भी वे फेवर करें आकर के, हमारी रक्षा करें, कैसे हो सकता था। वास्तव में यह पहले का बहुत बड़ा पुण्यात्मा था अजामिल। जी गोस्वामी प्रसाद जी कहते हैं कि इसी से सिद्ध होता है कि पहले इसने भक्ति किया, नहीं तो ऐसे ही रास्ता चलते और क्या भगवान के पार्षदों का दर्शन हो सकता है। बड़े बड़े भक्तों को भी भगवान के पार्षदों का दर्शन नहीं हो पाता है, और अजामिल को हो गया। तो कार्य से कारण का अनुमान कर रहा है कि अवश्य मेरे द्वारा पूर्व पुण्य हुआ है, इसके कारण भगवान के देवताओं का दर्शन हुआ। जिनात्मा में प्रसिद्ध थी, जिनका दर्शन करके मेरा मन आज भी आनंद में डूब रहा है, जिनका अर्थ दर्शने न, मैंने उन देवताओं को जब से देखा है मेरे हृदय में आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है कि मैं इतने श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन किया। यदि अब कह रहा है कि यदि पूर्व में मेरा पुण्य नहीं होता, अच्छा काम नहीं किया होता, तो अन्यथा म्रियमाणस्य नासचेर वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुमिहारस। अन्यथा यदि मैं पूर्व में पुण्य नहीं किया होता, मेरा कोई पुण्य नहीं होता, तो मरते समय मेरे जैसी वेश्या के पालक और अशुद्ध व्यक्ति को
अशुद्ध व्यक्ति की जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर सकती थी, कैसे संभव है। तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, अंत राम कही आवत नहीं। अच्छे अच्छे भक्तों को भी लास्ट में नाम नहीं आ पाता है। अरे कह रहे मैं मरने की स्थिति में था, म्रियमाण था, मर रहा था, और अशुच बिल्कुल अशुद्ध मेरा जीवन रहा। यह नहीं केवल मरते समय हमारी व्यवस्था थी, जीवन भर का अशुद्ध। वो ब्रिसली पते वेश्या का पालन करने वाला मैं था, पति का अर्थ पालन करने वाला। सारी कमाई किया, पाप किया और धन लाला करके वेश्या का पालन किया, अशुद्ध रहा। ऐसी व्यक्ति की जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर सकती थी, ये संभव नहीं है। तो भगवान नाम मेरे जीह पर आया, इसका मतलब है कि अवश्य कोई पुण्य हुआ है। यहां कोई पुण्य का अर्थ भगवान की भक्ति, ये समझना चाहिए। अवश्य कुछ न कुछ भगवान की भक्ति हुई है। यह भगवान नाम के विषय में कहा जा रहा है ग्रहण। ग्रहण का अर्थ है कि भगवान का नाम हमारे चित्त पर चढ़ गया, हमारे जिह्वा पर आ गया, ग्रहण कर लिया। मैंने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, भगवान के नाम ने मेरे जिह्वा को पकड़ लिया, ये कह रहा है। मेरी शक्ति नहीं थी, परंतु हमारे जिह्वा का स्पर्श भगवान के नाम ने किया, इसका मतलब है कि पहले हमने कुछ भक्ति किया था, पहले कुछ मंगल हुआ था मेरे जीवन में। नहीं तो ये न यहां से, अन्यथा मेरे जैसे व्यक्ति की जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती थी, न वक्तुम यह अर्हति। यह सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इस पर कहते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र नहीं है, साधु नहीं है, उसके जिह्वा पर भगवान का नाम आ ही नहीं सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम को जिह्वा नहीं पकड़ सकती है, भगवान का नाम जिह्वा को पकड़ता है। इसीलिए यह कहा गया है वैकुंठ नाम ग्रहण जिह्वा वक्तुम इहार हती, न वक्तुम इहार हती। भगवान नाम की विशेषता है, भगवान का नाम परम आकर्षक है। वो किसी के चित्त को अपनी तरफ खींच सकता है, किसी के इंद्रियों में जाकर बैठ सकता है। तो वे लोग महान सुकृतिशाली हैं जिनके जीव पर भगवान का नाम आता है। यह भगवान नाम की कृपा है, दया है कि बैठता है। अजामिल कह रहे कि मैंने अवश्य पुण्य कर्म किया था, इसलिए मेरे जीव पर भगवान का नाम आया, अन्यथा नहीं आ सकता था। अरे कहां मैं पापी और कहां भगवान का मंगलमय नाम। क्वचाहम कितवह पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रपः, क्वच नारायण ते तद भगवन नाम मंगलम। कहां मैं पापी धूर्त ब्राह्मणत्व का नाश करने वाला निर्लज, और कहां भगवान का मंगलमय नाम। ओ, मैं क्या योग्य था कि मेरे जिह्वा पर भगवान का नाम आवे, नहीं, विश्वास ही नहीं होता है। कैसे भगवान का नाम है, कहां भगवान का मंगलम नाम, दिव्य नाम, और कहां मैं पापी। ये कैसे हुआ, कैसे मेरे जिह्वा पर भगवान का नाम आया। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है तो भगवान का नाम लेने से ही, भगवान के नाम के कारण ही मैं आज मुक्त हो सका हूं, जमपाश से मुक्त हो सका और भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ, मुक्त किया गया, ये अर्थ है। तो अपने बारे में अजामिल विचार कर रहे कहां मेरी अशेष थी, कितना कंडम, कितना नीचमय और कितना महान भगवान का नाम मंगलमय कैसे मेरे जीव पर आया। तो अवश्य कोई पुण्य हुआ है या कृषि की कृपा हुई है मुझ पर। तो कह रहे अतः अब मेरे जीवन में रास्ता मिल गया। सोहम तथा जतिष्यामि जत चितेन्द्रिया निलह जथान भूय आत्मानम अंधे तमसी मज्जे। तो अब मैं ऐसा यत्न करूंगा, अब मैं आगे ऐसी साधना करूंगा
कि मैं अपने को अब अधोगति में नहीं गिरने दूंगा। देखिए, अब तक तो वास्तव में भगवान ने सहारा दिया इसको, लेकिन मनुष्य का एक कर्तव्य है कि जब भगवान या साधु सहारा दे तो कुछ अपना निर्णय, कुछ अपनी साधना भी करने की सोचनी चाहिए। अजामिल अब दृढ़ निश्चय कर रहा है, सोहम तथा ज्योतिष्यामि जथा न अंधे तमसी मज्जे आत्मानम। अब मैं वैसा प्रयत्न करूंगा कि अपने को घोर अंधकार में नहीं डूबा पाऊंगा, अविद्या में नहीं डूबा पाऊंगा, ज्ञान हो गया मुझे। अब इससे ज्यादा क्या अनुभव होगा कि हमारा निस्तार भगवान के नाम ने किया है, भगवान के पार्षदों ने, भगवान ने मेरी रक्षा की है। कैसे जान गया कि भगवान के नाम ने रक्षा की है? क्योंकि जमदूत और विष्णु दूत के कन्वर्सेशन में भगवान के पार्षदों ने कहा कि एते नैव योगोनस्य कृतम स्याद अग्निस्कृतम नारायणाय जदा जगाद चतुराक्षरम। जब इसने चार अक्षर नारायण नाम कहा तो इसी से इसके सारे पाप कट गए। तो सुना है, और एते नैव योगोनस्य, और ये इसके पहले श्लोक है, इसके पहले तक स्याद अग्निस्कृत जन कोट्यं घनश्याम अपि। जब इसने भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण किया, स्वस्तेनम नाम का उच्चारण किया, तो उसी समय इसके करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त हो गए। इस प्रवचन में सुना है अजामिल बहुत ध्यान से, तो उस समझ रहा है कि भगवान के नाम ने मेरी रक्षा की है, क्योंकि भगवत पार्षद देवता सब बता रहे थे। तो अब मैं तथा जतिष्यामि, अब मैं जत्न करूंगा। तो जत्न में सबसे बड़ा जत्न क्या करेगा कि भगवान के नाम का रात दिन उच्चारण करेगा। यही सबसे बड़ा जत्न है, सबसे बड़ा धर्म, यज्ञ, तप, दान यही है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। इसी ने रक्षा किया है, प्रैक्टिकली देख चुका है अजामिल। अतः कहता है सोहम तथा जतिष्यामि, अब मैं जत्न करूंगा जिससे मैं घोर नरक में ये अज्ञान में न अपने को गिरा लूं। तो यही जत्न है, सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ी साधना यही है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जत चित्तेन्द्रिया नीला, मैं अपने चित्त को, इंद्रियों को और प्राण को वश में करूंगा। अनिल प्राणवायु को, मैं अपने प्राणवायु को और अपने मन को, मतलब चित्त को और इंद्रियों को वश में करूंगा। और मैं ऐसा जत्न करूंगा, सब ओर से मन हटा करके भगवान के नाम का जप करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, जिससे कि अब मैं अपने को गिरने नहीं दूंगा। जथा न भूय आत्मानम अंधे तमसी मज्जे, अब मैं अपने को घोर अंधकार में नहीं डुबाऊंगा। यह है किसी व्यक्ति का शुभ निर्णय। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान तो मदद कर ही दिए। वास्तव में अजामिल ने तो देखा डायरेक्ट कि जमपास काट दिया गया और मैं मुक्त कर दिया गया, लेकिन क्या हम लोगों के लिए यह दृष्ट विषय नहीं है क्या? यदि भागवत में श्रद्धा है किसी की तो उसको तो ऐसा ही मानना चाहिए कि मैं भी देख रहा हूं। ये दृष्ट विषय समझना चाहिए, केवल अजामिल के लिए ये सत्य नहीं है। जो लोग भागवत सुनते हैं उनके लिए ये सत्य है कि वास्तव में ऐसा हुआ और भगवान के नाम ने रक्षा किया, इसलिए हमें अब दृढ़ संकल्प करके भगवान का नाम जप करना है और कीर्तन करना है। बस यही सबसे बड़ा जत्न है। अजामिल कह रहा है सोहम तथा जतिष्यामि, अब मैं जत्न करूंगा। यत्न करने का मतलब मैं काम करूंगा, साधना करूंगा, निरंतर कृष्ण का नाम रटूंगा। और मुझे विश्वास हो गया कि ऐसा करने से मैं कभी भी अंधकार के अज्ञान समुद्र में नहीं डूबूंगा, अपने को बचा लूंगा। अब दृढ़ निश्चय कर रहा है, जमपास से मुक्त होकर के अब भगवत भजन का निश्चय कर रहा है। कोई दूसरा संगी नहीं है अपने निर्णय को सुनाने के लिए उसको, दूसरा कोई सहयोग नहीं दे रहा है, कोई समाज नहीं है जो उसको कहे कि हाँ हाँ भजन करना चाहिए,
अब आप इतना दिन पाप किए, कम से कम बुढ़ापा में भी तो हरे कृष्ण जपिए। ऐसे कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन क्या कहने की जरूरत है जब डायरेक्ट उसने देखा है कि भगवान का नाम बोलने के कारण मैं नरक से बच गया, जीवित हो गया, मरा नहीं। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, वो भी मृत्यु पास से मुक्त हो जाए जीव डायरेक्ट, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं जत्न करूंगा, अब मैं भजन करूंगा। तमिमम विमुच्य तमिमम बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहे शांतो मैत्रह करुणयात्मवान। अब मैं अविद्या के कारण जो कामनाएं होती हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण अनेक कामनाएं होती हैं, और उन कामनाओं के अनुसार, डिजायर्स के अनुसार जो कर्म होते हैं, और कर्म के अनुसार जो बंधन लगता है, उस बंधन को अब मैं छोड़ दूंगा, इसको तोड़ूंगा। अब मैं अज्ञान में नहीं रह सकता हूं, अब मैं कोई दूसरी कामना कर ही नहीं सकता है। विमुच्य तमिमम बंधन, इस बंधन को मैं काट करके, जो अविद्या काम कर्मजम है, अब मैं सभी जीवों का हित करूंगा, सर्वभूत सुहित, सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखूंगा, सबसे स्नेह करूंगा और शांत। अब मैं भोगों की कभी भी कामना नहीं करूंगा, शांत। शांत का ही अर्थ है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत। इतना लोग कार से दौड़ रहे हैं, क्या कारण है, कामना कारण है, कामना ले जा रही थी इधर से उधर, अशांत है, अशांत अशांत। तो अब मैं शांत रहूंगा, अब मैं भोगों की कामना नहीं करूंगा। मैत्रह, सबके प्रति मित्रता का भाव रखूंगा। करुणह, और जो छोटे हैं, दीनहीन हैं, उनके प्रति कृपा करूंगा। आत्मवान, अपने मन को वश में रखूंगा। मुचय ग्रस्तम आत्मानम, अब तक जो मैं ग्रस्त था, जोशिन मैये माया, ये जो स्त्री रूपिणी माया से मैं अब तक ग्रस्त था, अब मैं अपने आप को मुक्त करूंगा। तो बेचारा कम से कम 88 वर्ष की अवस्था में निर्णय किया, ये बहुत बहादुरी की बात है। लेकिन अब अन्य लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी उसी उम्र में जब होंगे तब जत्न करेंगे। तो इसमें से तो अधिकांश 88 वर्ष देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वह जो अजामिल का निर्णय हो, प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय होना चाहिए कि मैं जो जोसिफ मैये माया, जो मैं स्त्री रूपिणी माया के द्वारा ग्रस्त था अब तक, अब मैं उसके चंगुल से अपने को मुक्त करूंगा, मुक्त करूंगा। उसका अर्थ यह नहीं है कि अब एक वेश्या के वश में था तो मुक्त करके फिर दूसरे स्त्री के फेर में पड़ जाऊंगा, ऐसा अर्थ नहीं है। स्त्री रूपिणी माया से तो मैं सदा के लिए अपने को मुक्त करता हूं। इस संसार में व्यक्ति सबसे ज्यादा जो फंसा हुआ है, ग्रस्त है, वो स्त्री रूपी माया से, इसमें संदेह नहीं है। भले कुछ लोग इसको स्वीकार न करें, लेकिन सत्य यही है, सबसे ज्यादा जो पकड़ है माया की व्यक्ति पर, वो है स्त्री की पकड़। उसी की चिंता करता है आदमी, उसी से प्रेम करता है, और उसी के ऑफस्प्रिंग, संतान आदि से प्रेम करता है। रात दिन चिंता में रहता, कैसे चलेगा, क्या होगा, ये होगा। अरे हजारों लड़के हैं दूसरों के, लेकिन उसके विषय में कोई चिंता नहीं है, है ना। क्या किसी को चिंता होती है कि और का कपड़ा कैसे चलेगा, और का जाब कैसे चलेगा, और का काम धंधा कैसे चलेगा। लेकिन पत्नी से जो जन्मे हुए हैं, उसी में सबसे ज्यादा पकड़ है। अगर चार हैं तो चारों की चिंता, दो है तो केवल दो की चिंता है, अगर 6-7 है 6-7 की चिंता है। ये है माया की पकड़, बहुत कठिन पकड़ है। तो अजामिल कह रहा है कि अब मैं स्त्री रूपिणी माया से जो अपने को ग्रस्त रखा था अब तक, अब मोचय, अब मैं मुक्त करूंगा, अब कभी भी स्त्री की गुलामी नहीं करूंगा। विक्रीड़ी तो जय वा हम क्रीड़ा मृग वा धमा, अरे मैं उस स्त्री के बस में कैसा हो गया था, जैसे क्रीड़ा मृग बानर बन गया था। बानर को क्रीड़ा मृग कहते हैं, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बानर को नचाता है, ये करता है,
और कुछ लोग तो बानर से अपनी जीविका भी चलाते हैं, मदाड़ी। और कलयुग का ऐसा वर्णन है, रामचरितमानस में कहा गया है कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मरकट की नाई। कलयुग में लोग अपनी स्त्री के वश में ऐसे रहेंगे जैसे मदाड़ी के वश में बानर रहता है, और मदाड़ी जैसे संकेत करता है वैसे नाचता है। तो वैसे ही ये पति लोग अपने स्त्री के वश में वैसे रहेंगे जैसे मदाड़ी के वश में बानर। आज ये करना है, ठीक करना है, जो जैसे वो नचाती है वैसे वो नाचता है। तो पति बानर हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। वास्तव में ये केवल अजामिल के लिए ही बात नहीं कही जा रही है, ये इस समय अब उन लोगों के लिए कही जा रही है बात जो वास्तव में स्त्री के वश में है। वश में रहे ठीक है, स्नेह करना चाहिए, लेकिन बानर नहीं हो जाना चाहिए। अब जो जहां चलने को कहे तहीं जाएंगे, जैसे कहे वैसे, हाँ ठीक है, जो जैसा कहे। ग्रस्त मुक्त करना चाहिए अपने को। एक बार एक साधु अर्थ कर रहे थे, ये नर है और वानर है, वानर माने वह नर, दोनों का एक ही अर्थ है। वह नर मतलब एक नंबर का स्त्री का गुलाम, वा नर और या यह नर, नर शब्द दोनों में वानर या नर। तो सबसे ज्यादा जो चापलूस जानवर है किसी का वो है वानर। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमने तो देखा है मदाड़ी के नचाते समय, मदाड़ी कहता है कि ये बताओ कि कोई पुरुष अपने स्त्री के पैर पर कैसे गिरता है, तो तुरंत गिर करके बताने लगे, हमें देखा था। और दो स्त्रियां झगड़ा कैसे करती है, तो वो झगड़ा करके ऐसे हाव भाव बता रहा था बानर, उसको ट्रेनिंग होती है। अपने को इस माया से मुक्त करना चाहिए व्यक्ति को, वास्तव जो भगवान का चरण कमल पाना चाहता है, नहीं तो बहुत पकड़ गहरी है। और कम से कम मान लीजिए टोटल छोड़ करके जाने की शक्ति नहीं है, तो जो भजन का टाइम है, भक्ति का टाइम है, उस समय तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बंधन में नहीं होना चाहिए, ये तो हमें करना ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विक्रीड़ित जय जय वाहन, उसने मुझे विक्रीड़ित, अजामिल कह रहा है कि उसने मुझे बिल्कुल खिला दिया, विविध क्रीड़ा करा दिया, जैसे क्रीड़ा मृग मदाड़ी बानर को नचाता है वैसे उस स्त्री ने मुझे नचा दिया। वो अधम है, मैं इतना अधम हूं, लेकिन अब मैं मुक्त करूंगा अपने को। और वहीं पर निर्णय कर रहा है जहां पर अभी उसकी स्त्री है वहां, और बच्चा भी है, लेकिन जब हरिद्वार जाएगा तो पूछेगा भी नहीं कि नारायण मरा कि क्या हुआ, वो चल दिया। जो ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो उसी समय चलना चाहिए। जदहेरेव निर्वित तदहेरेव प्रव्रजेत, ऐसा एक श्लोक है, जिस दिन व्यक्ति को वैराग्य हो उसी दिन भगवान के चरण कमल के लिए चल देना चाहिए। और बहुत ज्यादा ये ऑर्गेनाइज करना, ये सेटलमेंट कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, तो उसको सेटल करने में तुम ही सेटल हो जाओगे, तो क्या सेटल करना है। तो इसीलिए जब चांस हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, भक्ति का उदय हो, तो उस समय हेल्प लेना चाहिए, नहीं तो वो आवेश तुरंत ठंडा हो जाता, फिर रहता नहीं। तो मैं अपने को मुक्त करूंगा, अजामिल इस तरह से कह रहा है। तो देहात्म बुद्धि से अपने को मुक्त करूंगा, स्त्री से मुक्त करूंगा, बच्चे से मुक्त करूंगा, और देह में जो मेरी ममता है इससे मुक्त करूंगा अपने को। अब कह रहा है, ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर्मतिम धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि। देहादौ, देह में और देह के संबंधी पदार्थों में और लोगों में
जो मम और अहम की जो मेरी भावना है, इसको मैं हित्वा त्याग दूंगा। अब मैं त्याग दूं, मैं देह को मैं नहीं मानूंगा और देह के संबंधियों को मेरा नहीं मानूंगा। अब ज्ञान हो गया पूरा पूरा। और मम अहम इति, यही सबसे बड़ी माया है ना, कि व्यक्ति देह को मैं मानता है और देह के अनुबंधी पदार्थों को मेरा मानता है, ये मेरे हैं और ये मैं हूं। तो मैं इस भावना को छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ेंगे? अमिथ्यार्थ धी, अमिथ्या अर्थ का अर्थ सत्य, जो सत्य है ऐसी वस्तु में मैं मन लगाऊंगा। मेरी बुद्धि इस निश्चय पर पहुंच चुकी है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और इसी स्थिति में मेरी बुद्धि रहेगी। इसको कहते हैं अमिथ्यार्थ धी, अर्थात सत्य धी। मैं सत्य बात में अपनी बुद्धि को लगाऊंगा और अपने मन को भगवती, मन को भगवान में लगाऊंगा। देह और देह के संबंधी पदार्थों से मन को हटाकर, अहम अहम मम निकाल करके, सत्य में बुद्धि को अस्थिर करके, अपने मन को मैं भगवान में लगाऊंगा। तो इस पर प्रश्न किया जाएगा, इतना तुम्हारा शुद्ध मन है कि भगवान में लगा दोगे? कैसे लगाओगे? भगवान में तो शुद्ध मन लगता है, ऐसे अशुद्ध मन लगता नहीं है। तब कहते हैं शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, मैं कीर्तन आदि करूंगा, भगवान का श्रवण कीर्तन करूंगा, इससे मेरा मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान में लगा दूंगा। जो मन अब तक वेश्या में लगा था, संसार में लगा था, देह गेह में लगा था, उसको कह रहे मैं भगवान में लगा करके रहूंगा। कैसे लगा दूंगा? इसको शुद्ध करूंगा। कैसे शुद्ध करोगे? तत्कीर्तनादि भी, कीर्तन आदि। कीर्तन आदि से मतलब कीर्तन, श्रवण, वंदन और कई उपाय हैं, इसके द्वारा मैं भगवान में मन को लगा दूंगा, शुद्ध करके लगा दूंगा। ये है ठोस निर्णय जीव का। अब तक मेरा मन विषयों का चिंतन करता रहा है, अब मैं भगवान में लगाऊंगा। भगवान में लगाने का मतलब है भगवान के सुंदर रूप का, लीला का, गुण का चिंतन करूंगा, मेरा मन आनंदित हो जाएगा, इस तरह मैं लगाऊंगा। तो यह है अजामिल का निर्णय, बहुत सुंदर निर्णय है। श्रीमद् भागवतम के सुनने की जो महिमा है वो इसीलिए है कि इसके द्वारा बहुत प्रेरणा भी मिलती है जीव को, ऐसे करना है। नहीं तो जीवन के अंतिम स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति इतना आसक्त और इतना अच्छा निर्णय कर सकता है? लेकिन भगवान की कृपा हुई है, उसे चांस दिया गया है। जैसे अजामिल को चांस दिया गया, वैसे वास्तव में हम सबको चांस दिया गया है। तो कम चांस नहीं है। अजामिल के सामने भगवत दूत आए, उन्होंने चांस दिया, हम लोगों के सामने तो प्रभुपाद जी का भागवत है, ये चांस मिला हुआ है। नहीं तो कहाँ संस्कृत भागवत और कहाँ अंग्रेजी में संवाद अमेरिका में आवे। ये वास्तव में भगवान की दया है, ये बहुत बड़ी सहायता है। हम तो समझते हैं अजामिल से ज्यादा अनुग्रह है इन जीवों पर। वो तो मरते समय 88 वर्ष में वो अनुग्रह प्राप्त किया, और अभी जिन लोगों को भागवत मिल रहा है छपा हुआ इस तरह से, और परम विशुद्ध भागवत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ, ये बहुत अच्छी बात। मैं तो कहा करता हूं कि जो प्रभुपाद के बाद जन्म लिए हैं वे बहुत भाग्यशाली जीव हैं। जो प्रभुपाद से पहले ही मनुष्य शरीर मिल गया होता तो ये सब कुछ नहीं मिला होता है ना, कुछ भी लाभ नहीं मिला होता। ये भगवान की दया है। तो अजामिल पर किस तरह भगवान की दया हुई, भगवत पार्षदों से भेंट हुई, लेकिन हम लोगों पर कैसी दया हो रही है, इसका विचार करना चाहिए, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगेगा। तो यह शुद्ध निर्णय है, देह है और देह के अनुबंधी पदार्थों में अहम और ममता हटा करके सत्य वस्तु भगवान में बुद्धि को लगाकर भगवान में मन लगाना चाहिए। भगवान में मन तभी लगेगा जब शुद्ध होगा। शुद्ध कैसे होगा? तो कीर्तन आदि से शुद्ध होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब अब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहां से, अब तो अजामिल का निर्णय आपने सुना,
अब तो भजन करने के लिए तैयार हो गया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगे न साधु सु गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। इस प्रकार क्षण संगे न साधु सु साधुओं के भगवत पार्षदों के क्षण भर के संग से अजामिल में सुनिर्वेद प्राप्त हुआ। इतना बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य सुख का कारण हुआ। तो मुक्त सर्वानुबंधन, सब अनुबंधन तोड़ करके, त्याग करके, अर्थात अपनी स्त्री का, वेश्या का, अपने बच्चे का और घर द्वार सबका अनुबंधन छोड़ करके गंगा द्वारम उपेयाय, हरि द्वार आ गया। उपेयाय, सुखदेव गोस्वामी का चित ऐसे लग रहा है कि वो हरिद्वार में ही बैठे हैं। वो कहते हैं वो आ गया हरिद्वार में, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि चला गया हरिद्वार में। अगर ऐसे कहते तो इसका मतलब कन्नौज में बैठे हुए सोच रहे हैं। वो कह रहे आ गया हरिद्वार में, गंगा द्वार, हरिद्वार को गंगा द्वार कहते हैं। तो एक बार अखंडानंद सरस्वती वृंदावन में बोल रहे थे तो कहते थे कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो विनोद में बोल रहे थे, तो उनके सामने समस्या है, कुछ लोग कहते थे कि हरिद्वार है ये केदारनाथ जाने का रास्ता है यहीं से, और वास्तविक तो है कि बद्री नारायण वहीं रहते हैं भगवान बद्री का आश्रम में, और भगवान के धाम में जाने का वही रास्ता था वास्तव में वैकुंठ जाने का, तो उसके कारण कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार हरि के पास जाने का द्वार, अथवा हरिद्वार शिव जी के पास जाने का, केदारनाथ जाने का द्वार। तो अंग्रेजों के सामने विवाद गया। वो विनोद में कहते थे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हरिद्वार है हरिद्वार नहीं, गंगा द्वार इसको कहा जाएगा। गंगा जी हिमालय से निकलकर मैदान में यहीं से बहती है। तो वास्तव में पहले से निर्णय है, ये कोई अंग्रेजों का निर्णय नहीं था, वो तो विनोद में कहते थे। तो गंगा जी को, ये हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता है। हिमालय के कंदराओं में, घाटियों में लुढ़कती हुई, छिपती हुई गंगा जी आती हैं, लेकिन हरिद्वार में प्रकट हो जाती। तो इसीलिए गंगा, उसको गंगा द्वार कहते हैं, वहां से प्रकट होती हैं गंगा जी। और वास्तविक नाम हरिद्वार है, हरि के धाम में व्यक्ति वहीं से जाता है। तो कन्नौज छोड़ करके अजामिल हरिद्वार आ गया, बहुत दूर नहीं है कन्नौज से। गंगा द्वारम उपेयाय, यदि कोई व्यक्ति भगवान का चरण कमल पाना चाहता है और अपने को शुद्ध करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अधिष्ठान बदलना चाहिए, स्थान बदलना चाहिए। यदि वास्तव में वो कटिबद्ध है, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान से भेंट करना हुआ तो नारद जी ने कहा कि जाओ मधुबन। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं यहीं पर बरहिस्मतिपुर में, बिठौर में, कानपुर में ही ऑफिस खोलो और उसी में भगवान का भजन करो। उन्होंने कहा यदि वास्तव में भगवान को पाना है तो भगवान जहां जल्दी मिलते हैं, जहां वो रहते हैं वहां जाओ। तो मधुबन वृंदावन धाम, ब्रजमंडल भगवान का अपना धाम है, वहां थोड़ी सी साधना से भी भगवान मिल जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को नारद जी ने भेजा, घर में नहीं रहने दिया, घर में वही कलकल चलता था, झगड़ा टंटा ये वो। अगर घर में रहते तो ध्रुव महाराज पंचायत इकट्ठा करने लगते, वो भजन क्या करते, और नहीं तो कोई जा करके केस फाइल करते। केस क्या कर सकते थे, जब बाप ही विरुद्ध था तो क्या करते। लेकिन घर में वास्तव में भजन होता नहीं है, ये सिद्धांत है, मानना चाहिए। जो सत्य बात है वो कही जाती है, जो घर छोड़ करके निर्द्वंद भजन होता है वो ऐसा भजन घर पर होता नहीं। इसीलिए कभी कभी घर छोड़ करके बाहर भजन करके देखना चाहिए, कभी कभी अप्रेंटिस करना चाहिए, 7 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन।
ऐसा नहीं 3 दिन की लॉन्ग छुट्टी मिले तो बस भाग जाए, इधर उधर घूमे फिरे। तो घर छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, ये जरूरी है गृहस्थों के लिए भी। ऐसा भागवत में लिखा गया है, कभी कभी अपने परिवार से अलग हो करके और भजन करना चाहिए, भागवत सुनना, खास करके यही भजन है, थोड़ा दूर रह करके सुने। तो अजामिल अपना जन्म स्थान छोड़ करके अब हरिद्वार आ गया। स तस्मिन् देव सदने आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहित हृतेन्द्रिय ग्रामो युजोज मनयात्मनि। हरिद्वार में आकर के अजामिल एक देव सदन में रहा। देव सदन का अर्थ मंदिर में, देव मतलब भगवान विष्णु कृष्ण, भगवान के मंदिर में वो रहा रुका। अब कौन मंदिर था उस समय इसका कौन पता लगाए, लेकिन देव सदन है जहां भगवान का भवन है, भगवान का मंदिर, उसमें आकर के रहा और योग में आकर से पूर्णतः स्थित हो गया। योग मतलब भक्ति योग, आया हरिद्वार और योग में स्थित हो गया। प्रतिदिन 3-3 बार गंगा स्नान करता था। एक तो यह शुद्धि देखिए, भगवान के चरणोदक में डायरेक्ट स्नान करने को मिल रहा था। पाप तप तो पहले ही सब भस्म हो गया था, अब तो भगवत प्रेम का बीज पड़ गया, बढ़ने लगा। योग में स्थित हुआ मतलब भक्ति योग में स्थित हुआ। वहां पर साधु जन जो कथा कहते थे सुनता था, कीर्तन करता था, आरती में भाग लेता था, गंगा स्नान जप इसी में रहता था रात दिन। योग में स्थित था। प्रत्याहृतेन्द्रिय ग्राम, अपने समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके और आत्मनि मनः युजोज, अपने मन को आत्मा में लगा दिया, अपने स्वरूप में लगा दिया। आत्मनि का अर्थ है स्वरूप में। अब यही ध्यान रहता था कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, मुझे भगवान के घर जाना है, इस दुनिया से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, सदा इसी भाव में रहता था। अब कोई उत्तरदायित्व, कोई ड्यूटी कुछ भी नहीं था, केवल अपने स्वरूप के में मन लगाया। और ततो गुणभ्य आत्मानं विजुज्यात्म समाधिना युजुजे भगवत धामनि ब्रह्मांड अनुभवात्मनि। और धीरे धीरे गुणों से, देह आदि से, देह इंद्रिय और मन आदि से अपने स्वरूप को अलग करके, आत्मा को अलग करके और भगवान के स्वरूप में लगाया। जुजे भगवत धामनी, भगवत धामनी का अर्थ है, धामनी का अर्थ है स्वरूप, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगा। भगवान कैसे चतुर्भुज हैं, कितने सुंदर हैं, भक्तों पर किस तरह अनुग्रह करते हैं, लीला करते हैं, उनका नख से सिख तक कैसा स्वरूप है, इन्हीं में मन फंस गया पूरा पूरा। और देह आदि से पूरा मन हट गया। भगवान ब्रह्म है, अनुभवात्मा है, ज्ञान घन है, दिव्य है, चिन्मय है, ऐसे भगवान में मन लग गया। और जरही उपारत भी, जब भगवान में पूरा पूरा मन आविष्ट हो गया, उसको कहा तस्मिन उपारत भी। उपारत का अर्थ है अभ्यस्ता, निश्चला बुद्धि। जब भगवान के रूप में लीला में निश्चल बुद्धि हो गई, कहीं एक क्षण के लिए उसकी मति नहीं जाती थी संसार में, तो उसी समय, ये लगभग 15 वर्ष के बाद ये दशा हुई थी, तो अजामिल देखा पुरुषों को, 4 पुरुषों को देखा, पुरस्थित उपलब्ध अपने सामने देखा। इसका अर्थ है कि अजामिल भगवान का जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, मन बाहर नहीं था, लेकिन अकस्मात थोड़ी सी आंख खोला तो देखा कि वही पुरुष जो पहले मृत्यु से बचाए थे वे आकर के उपस्थित। उपलब्धन प्राग, प्राग का अर्थ पहले, पहले जिनको ये प्राप्त किया था, तो यह कोई जरूरी नहीं था कि वही चारों थे, क्योंकि भगवान के सभी पार्षद प्राय एक ही तरह के रहते हैं, लेकिन अजामिल ये समझा कि वही चारों हैं। और हो सकता है वो चारों हो,
कोई ऐसा नहीं है कि अब ड्यूटी इधर उधर होती रहती थी। अगर ये लोग मृत्यु पास से बचाए थे तो भगवान ने इनको ही भेजा कि जाओ लाओ उसको, विमान लेकर के आए चारों पार्षद भगवान के। तो इसमें यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पहले जिनका दर्शन अजामिल पाया था तो पहचान गया कि यही चारों है। उस समय तो बात करना चाहा था तो बातचीत हुई नहीं थी, पहचान गया यही लोग हैं। तो पहचानने के बाद तुरंत सिरसा बबंदे, सष्टांग प्रणाम किया ब्राह्मण। और अब यह बीच में कथोपकथन नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें यह छिपा हुआ है कि भगवत पार्षदों ने कहा कि हे विप्र, आप सिद्ध हो गए हैं, अब आपको हम लोग जैसा स्वरूप प्राप्त होगा, भगवान के पार्षद का स्वरूप, और आपके लिए भगवान ने यह विमान भेजा है, आप इस विमान पर चढ़िए और चलिए। तो भगवत पार्षदों की बात सुन करके अजामिल गंगा जी में गया, गंगा जी में खड़ा होकर के, हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु। भगवत पार्षदों के दर्शन के बाद अजामिल गंगा जी में गया और गंगा जी में जा करके एकदम जल में खड़ा होकर के आकंठ और शरीर छोड़ दिया। सद्य स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्ती नाम, और भगवान के पास जो रहते हैं पार्षद, वैसा तुरंत स्वरूप मिला अजामिल को, अपना जो स्वरूप है वास्तविक को मिल गया। गंगा जी में ये शरीर गिर गया, दाह संस्कार भी नहीं करना पड़ा, गंगा जी की धारा ले गई होगी शरीर को जहां ले जाना हो, और भगवत पार्षद का स्वरूप प्राप्त हो गया तुरंत सद्य। उधर शरीर का गिरना और स्वरूप में हो गया अजामिल। और इसके बाद साकम विहाय सा विप्रो महापुरुष किं करहि, हैमं विमानम आरुह्य जयो जत्र श्रियः पतिः। तो वह विप्र अजामिल महापुरुष किंकरई साकम, भगवान के पार्षदों के साथ विहाय सा आकाश मार्ग से अर्थात विमान से, हैमम विमान मार्य सोने के विमान पर चढ़कर जहां श्रीपति रहते हैं भगवान विष्णु रहते हैं वहां चला गया। जयो चला गया जत्र श्रीयः पति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह गंगा जी में शरीर छोड़ करके और भगवत पार्षद शरीर प्राप्त कर सोने के विमान से अजामिल भगवत धाम चला गया। वह विमान यहाँ का नहीं था, वहीं से आया था, स्पिरिचुअल विमान था, दिव्य भगवान भेजे थे। ध्रुव महाराज को भी ले जाने के लिए भगवत पार्षद आए थे, सुनंद और नंद दो पार्षद आए थे, अजामिल को ले जाने के लिए चार पार्षद आए थे। तो खूब भगवान की बातचीत करते हुए गुण गाते हुए चले गए जयो जत्र श्री आपति। कितनी बड़ी सफलता है अजामिल की, इतने थोड़े से समय में और सारा पाप ताप खत्म करके और भगवान का पार्षद बन करके भगवान के धाम में गए। यही है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, अंततः जीव भगवान के पास चला जाए स्वरूप में होकर, यही सिद्धि है, यही इसी को मुक्ति कहा जाता है। विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षण माहु मनीषिणः। मनीषी लोग कहते हैं कि भगवान का अनुचर बन जाना, पार्षद बन जाना, यही मोक्ष है। मोक्ष और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अन्यथा रूप को छोड़ करके ये देह आदि को अपने रूप में सर जीव हो जाए भगवत पार्षद रूप में, यही है मुक्ति। तो इस तरह अजामिल तो चला गया भगवान के धाम में। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर गाते हुए कहते हैं, एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दास्या पति पतितो गर्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन नाम गृहणम्। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने सारे धर्मों का नाश कर दिया था,
ये कभी कर्तव्य का पालन नहीं करता था, अजामिल विप्लावित सर्वधर्मा, और एक वेश्या का पालन करता था, पतितो गर्ह्य कर्मणा, अपने निंदित कर्म से पूरा पूरा पतित हो गया था, गिर गया था, और निपात्य माने निरय हतव्रत, उसका स्वधार नियम आदि सब समाप्त तो हो चुका था, अपनी पत्नी के साथ ही संग करना चाहिए उसका कोई नियम नहीं था, सब नष्ट हो गया था, निरय निपात्य मान नरक में ढकेला जा रहा था, गिराया जा रहा था, लेकिन भगवान नाम गृहणम सद्यो विमुक्त, पर भगवान का नाम बोलने के कारण मुक्त हो गया, नरक में नहीं गिरा, जमराज के पास से भी मुक्त हो गया, मरण से मुक्त हो गया, भगवान नाम गृहणम, भगवान का नाम बोलने के कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सद्य विमुक्त, तत्काल मुक्त हो गया। ऐसा नहीं कि अभी केस चलेगा कि अजामिल नरक में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, किसी जज को दे दिया जाए, देर नहीं हुई, तत्काल मुक्त हो गया। क्यों? भगवान नाम गृहणन, भगवान का नाम बोलने के कारण। कितनी महिमा है भगवान के नाम की स्पष्ट इस प्रसंग में। अतः अब सिद्धांत कह रहे हैं कि नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षतां तीर्थ पदानुकीर्तनम न जत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलं ततोऽन्यथा। अतः हे महाराज, यह सिद्ध है सब शास्त्र द्वारा, साधुओं द्वारा, मुमुक्षुओं के लिए जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मबंधन से छूटना चाहते हैं, उनके लिए भगवान तीर्थपाद विष्णु के कीर्तन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसे बढ़ करके कोई उपाय नहीं। नातः परम, परम कार्य श्रेष्ठ, कर्म निबंध कृंतनम, कर्म बंधन को पूरा पूरा काटने के लिए तीर्थ पदानुकीर्तनात्, गंगा जी जिनके चरण कमल से निकलती हैं, ऐसे भगवान के अनुकीर्तन के अलावा श्रेष्ठ साधन कोई नहीं, कीर्तन से बढ़ करके कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 तो जमराज केवल अजामिल केवल जमपास से ही मुक्त नहीं हुआ, मृत्यु से ही मुक्त नहीं हुआ, आपने देखा नजत पुनः कर्म सुसज्जते मनो, उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, कर्म वासना समाप्त हो गई, कर्म बंधन तो गया ही, लेकिन वास्तव में वासना जो हृदय दग्ध था, संस्कार पड़ा था कर्मों का, भोगों का, वो वासनाएं सब चली गई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नजत पुनः कर्म सुसज्जते मनो, भगवान के कीर्तन का ये फल है कि मन फिर विषय भोग में नहीं रमता है, मुक्त हो जाता है, वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। अन्यथा यदि कीर्तन के अलावा और कुछ साधन करता है व्यक्ति तो रजस्तमोभ्याम कलिलम, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से विद्ध हो जाता है हृदय, वो व्यक्ति गिर जाता है। लेकिन यह कीर्तन की विशेषता है भगवान के गुणानुवाद श्रवण आदि की कि वह मुक्त हो जाता है, बिल्कुल पूरा पूरा शुद्ध हो जाता है। इसीलिए जिनके चरण में तीर्थ रहते हैं, अर्थात गंगा जी जिनके चरण कमल से निकली हैं, ऐसे भगवान के कीर्तन से बढ़ करके और कोई भी साधन नहीं है कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी इस इतिहास के विषय में कह रहे हैं, येनम परमं गुह्यम इतिहासम अघापहम श्रुया श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तये न वैषा नरकं जाति नेक्षितो जमकिंकरैः जदप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। अब कोई भी व्यक्ति, पुमान यह शब्द दिया गया, पुमान का अर्थ है कि यह एनम परमम गुह्यम इतिहासम अघापहम, यह शब्द है, कोई भी व्यक्ति, इसमें वर्ण आश्रम जाति आदि का कोई विभाग नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस परम पवित्र रहस्यमय इतिहास को
सुनता है श्रद्धा के साथ, श्रृणुयात श्रद्धया और भक्त्या अनुकीर्तयत। जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है कि वास्तव में सच्चा इतिहास है और भगवान के नाम की महिमा वास्तव में ऐसी है, इसको मान करके जो सुनता है और जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक नहीं जा सकता है। नवैश्वर नरकम जाति, वो नरक नहीं जा सकता है, और यहां तक कि जमराज के दूत उसके पास नहीं आ सकते हैं। अरे मान लीजिए नरक में ना जाए लेकिन आ करके रस्सी बांध सकते हैं क्या, ऐसा मान लीजिए किसी को शंका हो कि अजामिल जैसे आकर के बांधेंगे, नहीं नहीं, न इक्षित जम किंग करे, इक्षित माने दृष्ट, जमराज के दूत तो कभी उसके पास आ ही नहीं सकते, वो नरक नहीं जा सकता है। यद्यपि मंगलो मर्त्य, यद्यपि ये मनुष्य शरीर बहुत अमंगलमय है, अशुद्ध है, मनुष्य का जन्म बहुत अशुद्ध है इस तरह से, लेकिन फिर भी इस इतिहास को कोई व्यक्ति सुनता है श्रद्धा से और भक्ति से इसका वर्णन करता है तो विष्णु लोके महीयते, वह भगवान के धाम में महिमान्वित होता है, उसका आदर होता है। इस जगत के लोग उसकी जय जय बोलते हैं, वो भगवान के धाम जाता है, महीयते महान स्थिति को प्राप्त होता है। जैसे अजामिल गया भगवान के धाम में, वैसे इस प्रसंग को सुनने वाला और बोलने वाला भी भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। अब देखिए, इतना भजन करके अजामिल वैकुंठ प्राप्त किया भगवान के पार्षदों का दर्शन करके, और वह गति केवल इस कथा को सुन करके और बोल करके प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी व्यक्ति को कभी शंका नहीं करनी चाहिए कि यह इतिहास नहीं है, सत्य घटना नहीं, बिल्कुल सत्य है। सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर बैठकर बोल रहे हैं, महा झूठा आदमी भी गंगा जी के पास झूठ नहीं बोलता है, ऐसा देखा गया। हम लोगों के बचपन की बात है, कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई लड़का कुछ बात कहता था और ये आशंका होती थी कि झूठ बोल रहा है, तो हम लोग कहते थे गंगा जी की तरफ हाथ उठाकर बोलो, तो गंगा जी ऊपर भी हैं, और वैसे हमारे गांव से गंगा जी ठीक उत्तर में पड़ती हैं, लेकिन गंगा ऊपर हाथ उठा करके कहो तो गंगा जी की तरफ, गंगा जी की तीन धाराएं हैं, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर, पाताल में। तो वो व्यक्ति अगर झूठ बोलना होता था तो कभी नहीं हाथ उठाता था, गंगा जी की तरफ हाथ नहीं उठाता, छोटा बच्चे की बात कह रहा, नहीं नहीं उठाएंगे। तो दो जगह हाथ उठवाया जाता था, ये तो गंगा जी की तरफ हाथ उठाओ या छाती पर हाथ रखकर बोलो, तो क्योंकि यहां भगवान रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो वो व्यक्ति भगवान को छू करके नहीं बोल सकता था झूठा, यह नहीं बोलेंगे। और ऐसा हमने देखा है, बच्चे ऐसे हाथ करके कहते, नहीं ये बात है, झूठ बोलता है तो यहां हाथ करके नहीं बोलता। तो गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी बैठ करके बोल रहे हैं, यह इतिहास है, सत्य घटना है। अब उपसंहार करते हुए कहते हैं, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजानलोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। अरे मरते समय अशुद्ध अवस्था में, बेहोश अवस्था में, और पुत्र का नाम लिया नारायण, कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान के नाम में, तो ऐसा महापापी अजामिल भी जब भगवान के धाम में गया, तो फिर जो लोग श्रद्धा से भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की महिमा को जान करके, नाम की महिमा को जान करके कि हमारा उद्धार करेगा, हमें